हफ्ते में प्रभात रंजन आपको बताएं कि बिहार सरकार की यह एक योजना है जिसमें कि नली गली जो है पक्कीकरण कर दिया जाए, जिससे ग्रामीण स्तरों के लोगों को कहीं से आने जाने में मुख्यालय से कहीं से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन चिरान जो कि सदर प्रखंड का ये दलित बस्ती चिरान पंचायत का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पीछे भी आपको पानी नजर आ रहा होगा, ये बगल में भी आपको पानी ही नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये लोग जो है सड़क से वंचित हैं। बताया जाता है कि यह स्थल जो है बहुत ही धार्मिक स्थल है और यहाँ पर जो है राजा मौर्यध्वज का यह नगरी रहा है, और जिसने कृष्ण भगवान यहाँ आकर के उनकी परीक्षा लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यह नगरी नरक के द्वार से गुजर रहा है। और यहाँ के लोग बताते हैं कि यह सालों भर यह पानी यहाँ पर जमा रहता है, और जबकि कुछ ही दिन पहले यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और सांसद राजीव तरूरी से लेकर तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ चुके हैं, लेकिन यह सड़क उनके नीतीश कुमार के आदेश के बावजूद भी अब तक वंचित है, नहीं बन सका है। यहाँ से बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सभी लोग यहाँ से गुजरते हैं और उन लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से उन लोग को आए दिन कभी किसी के यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं और कीड़े मकोड़े से उसका शिकार होते हैं। और लोग जब सांसद जनप्रतिनिधि से इसकी सवाल करते हैं कि सर से हमारा सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, तो उस पर भी सांसद द्वारा इन लोगों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है और ये दलित बस्ती आज भी अपने दुखों को रोना रो रहा है, सड़क आपका जलमग्न हो चुका है। आइए सुनते हैं ग्रामीण क्या कहते हैं। नीतीश जी आए थे 2015 में, देखकर भी गए, और यहाँ पे शादी ब्याह जो होता है माहौल आने जाने में बहुत दिक्कत होता है हम लोगों को, गाड़ी घोड़ा आने जाने में क्या दिक्कत होती है, किस तरह की परेशानियाँ हैं आने जाने में दिक्कत होती है। यहाँ पे पाकी हमेशा लगता रहता है, पानी उनी और सड़क यहाँ पे नहीं है, नहीं ये पानी से भरा हुआ सड़क हमेशा रहता है। क्या उससे क्या और दिक्कत क्या होती है आप लोग को आने जाने में? दिक्कत है, मोटरसाइकिल लेकर हम लोग आते हैं गिर जाते हैं। एक आदमी का बगल में मेरा दोस्त है, उसका टांग टूट गया है अभी हाल फिलहाल में उसका। तो ये तो सरकार की योजना है कि जो हर जगह पर पक्की सड़क करना है, गली गली बनाना है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी नहीं हुआ है। नाम का सिर्फ है कि हाँ ये पूरा चिरान विकास हो गया, लेकिन यहाँ पे कहाँ कुछ आप दिखा सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक तो पूरा सड़क कैसा है, तो नाला टाइप। यहाँ अभी भी कार्यक्रम हुआ था तो वहाँ भी डीएम गंगा आरती हुआ था, वहाँ पे भाषण लोग देकर बड़े बड़े आए नेता बोलकर चले गए, कहाँ कुछ हुआ। आते हैं सब कोई अपना अपना प्रस्ताव रखते हैं, उसके बाद कहाँ कुछ होता है। यहाँ तो केंद्रीय मंत्री भी आए थे, राज्य मंत्री भी आए थे उस कार्यक्रम में, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ इस तरह की कोई आप लोग मांग किए? मांग किए थे तो रूढ़ी जी तो दो तीन आदमी पर अश्वानी कुमार मांग किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। आ रहे थे, पानी लगा हुआ था, गिर गए वहाँ पर, और गिरने के बाद पैर टूट गया। तो पैर ठीक नहीं हुआ आपका? अभी पैर ठीक नहीं हुआ, अभी दर्द कर रहा है, फिर एक बार और प्लास्टर करवाना पड़ेगा। यहाँ पानी सालों भर लगा रहता है? सालों पानी रहता है। अच्छा, कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासन कोई किसी प्रकार का आपने किसी से शिकायत किया? कोई कुछ नहीं करता है, यहाँ पर आता है लोग और आकर देख कर चला जाता है। ये कौन सा गांव का रहता है? ये चिरान गांव है, दलित बस्ती। जी दलित बस्ती है ये। अच्छा, 2015 में आके डीएम के आदेश दिलान सब कोई आयल, कुछ आज तक रोड के ना भयल। क्या आदेश दिए थे रोड बनाने के लिए? अच्छा, आज तक रोड नहीं बना, हम लोग इतना कष्ट में है। उसके बाद में रूढ़ी जी आए संसद यहाँ का, उनसे हम लोग कहे तो हम लोग पर तीन आदमी पर केस कर दिए। क्यों? हमसे नहीं बनेगा, हमको घेर दिए, हम लोग को घेर दिया लोग। अच्छा, हमको नहीं कुछ सालों भर पानी ऐसे ही सालों भर अभी तो कम है सर, अभी कम है, इससे ज्यादा पानी यहाँ डाल डाल भर पानी लग जाता है, तो किस तरह की घटनाएं भी यहाँ पे होती होगी? बहुत सा समस्या है इसमें, हम लोग का इतना कष्ट है कि आने जाने के लिए, आने जाने शादी ब्याह करे खातिर बच्चा सबको बहुत दिक्कत है, पढ़ने लिखने में कष्ट हो रहा है बच्चा सबको।